गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर सम ऑनलाइन क्लासेस। नाउ टुडे वी स्टार्ट न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर 3, सिल्क। सिल्क इज ऑब्टेंड फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन किया जाता है। इट इज ऑल्सो एन एनिमल फाइबर। ये भी एक एनिमल फाइबर है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। जो सिल्क वॉर्म्स को पाला जाता है, रियरिंग किया जाता है उनका, किसके लिए? उसको सिल्क ऑब्टेन करने के लिए, उसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। मतलब सिल्क वॉर्म को पालना किसके लिए? उनसे सिल्क निकालने के लिए, उसको सेरीकल्चर हम कहते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क मोथ वही कीड़ा है, सिल्क का कीड़ा है, जिससे उसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है। द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग ऑन मलबरी और प्लम लीव्स। जो फीमेल सिल्क मोथ होती हैं, वो अपने अंडे देती है मलबरी की पत्तियों पर या प्लम की पत्तियों पर, लीव्स पर। फ्रॉम विच हेज लार्वा, उनसे फिर लार्वा निकलता है अंडों से। विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स, जिनको कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म कहा जाता है। कैटरपिलर्स ग्रो इन साइज। कैटरपिलर्स ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं साइज में। एंड वेव ए नेट, एक नेट, एक जाल बुन लेते हैं टू होल्ड इट्स सेल्फ, उसको खुद को होल्ड करने के लिए। एंड एंटर नेक्स्ट स्टेज, और वो नेक्स्ट स्टेज में एंटर होते हैं। ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड पूपा, उसकी लाइफ हिस्ट्री में, और उसको हम पूपा कहते हैं। सिल्क वॉर्म स्विंग्स इट्स हेड। सिल्क वॉर्म स्विंग करते हैं अपने हेड को, सिल्क को, फ्रॉम साइड टू साइड। एंड सीक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ ए प्रोटीन, और एक ऐसा सीक्रेट करते हैं फाइबर जो प्रोटीन से बना होता है। फाइबर हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम्स सिल्क फाइबर। फाइबर धीरे धीरे हार्ड होता है और वो एयर के साथ एक्सपोज होके सिल्क फाइबर बनाता है। सून द सिल्क वॉर्म कम्प्लीटली कवर्स, जल्दी ही सिल्क वॉर्म कम्प्लीटली कवर करता है इट्सेल्फ बाय सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर के द्वारा उसको कंप्लीट करता है। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून, इस कवरिंग को ही हम कोकून कहते हैं। यू कैन सी इस डाइग्राम, आप देख सकते हैं डाइग्राम में, कैटरपिलर फीड ऑन मलबरी लीव्स। सबसे पहले लार्वा होता है, लार्वा ये अंडे देते हैं। फीमेल मोथ लेज एक टाइनी एग, बहुत छोटे छोटे अंडे, फिर लार्वा निकलता है उनसे। लार्वा के बाद वो कोकून में चेंज होता है और फिर एडल्ट मोथ बनती है। ये पूरा प्रोसेस होता है जो कि एडल्ट मोथ सिल्क वॉर्म का होता है। Now for obtaining silk, moths are reared and their cocoons are collected to get silk thread. तो सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए moths को पाला जाता है, उनके कोकून को इकट्ठा किया जाता है सिल्क थ्रेड बनाने के लिए। सिल्क को ऑब्टेन किया जाता है सिल्क moth से, उनको रियर किया जाता है पाल के, उनसे कोकून निकलते हैं, कोकून को फिर कलेक्ट किया जाता है, फिर उनसे सिल्क थ्रेड हम प्राप्त करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क इज ऑब्टेंड फ्रॉम कोकून्स, अलग अलग तरीके के सिल्क ऑब्टेंड प्राप्त किए जाते हैं कोकून से। स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ्स, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग टाइप के मोथ से अलग अलग टाइप के सिल्क को ऑब्टेंड किया जाता है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिल्क मोथ इज मलबरी सिल्क मोथ।
तो जो मोस्ट कॉमन टाइप है सिल्क मोथ का, उसको कहते हैं मलबरी सिल्क मोथ या बॉम्बाइक्स मोरी। इसका दूसरा नेम भी है बॉम्बाइक्स मोरी, टासार, मुगा, कोसा एसेट्रा आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क। ये अलग अलग वेराइटीज के सिल्क हैं, इनको ऑप्टेन किया जाता है, बट सबसे जो कॉमन है वो है मलबरी सिल्क मोथ। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, आप देख सकते हैं सबसे पहले मोथ है, ये फीमेल मोथ लेज करती है, अंडों को देती है, फिर उससे लार्वा हैच होते हैं, बाहर निकलते हैं, फिर वो कोकून में चेंज होते हैं और कोकून से ही हमें सिल्क फाइबर मिलता है। ये पूरा प्रोसेस होता है सिल्क फाइबर का। थैंक यू।